हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे मैगी, वो भी नई तरीके से। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 अंडा और 2 मैगी। उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा पत्ता गोभी, टमाटर, हरी मिर्च आदि, लहसुन और प्याज। तो इस तरह से सभी को काट लेंगे। अब चलिए हम बनाते हैं। हम गैस को ऑन कर देंगे और उस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई। अब हम कढ़ाई में डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसे मिला देंगे। गैस का फ्लेम आप हाई रखें। उसके बाद हम मैगी डाल देंगे। मैगी को 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे हाई फ्लेम में। आप चाहे तो मैगी को तोड़कर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं तोड़ के डालना चाहते तो इस तरह से डाल दें और इसे तोड़ दें। उसके बाद ये देखिए धीरे धीरे बॉईल होना शुरू हो गया है। मैगी को ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 3 मिनट पकाना है। तो इस तरह से करते जाएंगे ताकि जो मैगी है वो कढ़ाई में ना चिपके। और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तब हम फिर से इसे चला देंगे। और इसे चेक कर लेंगे कि ये पका है या नहीं। तो यहाँ पे जो मैगी है वो पक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो इसी तरह से सभी मैगी को निकाल लेंगे, जो पानी बचा है उसे फेंक देंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। उसके बाद इसमें डालेंगे अदरक घिसा हुआ। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन और इसे हम ब्राउन होने देंगे। तो यहाँ पे लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरी मिर्च। उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। सभी को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये 2 मिनट हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद फिर इसे हम चला देंगे। अब हम इसमें एग डाल देंगे। एग डालने के बाद हम फिर से इसे चला देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है। अब हम इसमें डाल देंगे मैगी जो हमने बॉईल करा था। सभी मैगी को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक। उसके बाद इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। उसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। सभी को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिला देना है। 2 मिनट तक इसे ऐसे मिलाते रहें। जब 2 मिनट हो जाए तब गैस का फ्लेम हाई कर दे और इसे थोड़ा सा भून ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडा मैगी बनके रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।